दोस्तों, आज की कहानी इस दुनिया की हकीकत को बयान करती है। अभी हाल ही में रिलीज हुई ये मराठी मूवी हम सभी के घर की कहानी है। मूवी की IMDB रेटिंग है 7.8 और इसको लोगों ने थिएटर को हाउसफुल करके देखा है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि ये मूवी हमसे मिस हो जाए, तो मैं इसको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े इंसान को देखते हैं जिनका नाम होता है गोविंद पाठक। वो एक जगह पर अपनी सब्जी खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन उनके पास सब्जी वाले को देने के लिए पैसे नहीं होते, तो सब्जी वाली गोविंद से ज्यादा कुछ तो नहीं कहती, क्योंकि उसे भी पता था कि गोविंद जी एक ईमानदार इंसान है, शायद वो पैसे लाना भूल गए होंगे। इसलिए वो सब्जी वाली गोविंद जी से कहती है कि अगर उनके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, वो उसे पैसे कल भी दे सकते हैं। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक गुंडा आ जाता है जो लोगों से वसूली किया करता था। अब ये गुंडा सबसे जबरदस्ती पैसे लेने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक इंसान चाय बेच रहा होता है और ये गुंडा जाकर उससे भी पैसे ले लेता है। वो चाय बेचने वाला उस गुंडे से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ पैसे छोड़ दे ताकि वो अपने बच्चे की स्कूल की फीस भर सके, लेकिन वो गुंडा उस चाय वाले की एक भी नहीं सुनता और पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो चाय वाला अब उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। इस चीज को लेकर दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। अब ये सब चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर गोविंद जी आ जाते हैं और उस गुंडे से उस चाय वाले के पैसे लौटाने के लिए कहते हैं, लेकिन इस बात के लिए गुंडा मना कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि गुस्से में आकर गोविंद जी उसे एक थप्पड़ जड़ देते हैं। थप्पड़ पड़ते ही वो गुंडा शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि आज से पहले कभी किसी की उसके ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई थी। वेल, अब वो गोविंद जी को भी बदले में थप्पड़ मार देता है और फिर उन्हें पकड़कर अपने बॉस पकिया भाई के अड्डे पर लेकर जाता है। अब पकिया भाई और गोविंद जी में बहस होने लगती है, जिसमें गोविंद जी कहते हैं कि अगर वहाँ पर उस गुंडे की जगह कोई और भी होता और किसी के साथ गलत हो रहा होता तो मैं उसे भी थप्पड़ मार देता। ये सुनकर पकिया भाई गोविंद जी को धमकी देता है कि अगर वो ज्यादा बहस करेंगे तो वो उन्हें इसी वक्त गोली मार देगा। लेकिन ऐसी धमकियों से गोविंद जी बिल्कुल भी नहीं डरते थे, इसलिए वो कहते हैं कि वो जितने भी दिन जिएंगे ईमानदारी से जिएंगे। वो कहते हैं कि पकिया भाई, तुम्हारे पिताजी जब भी तुम्हें देखेंगे तो उन्हें कभी भी तुमको ऐसा देखकर खुशी नहीं होगी, बल्कि वो तो शर्म के मारे पहले ही मर जाएंगे, क्योंकि उनका बेटा ऐसी गलत चीजें करता है। अब ये सब सुनकर पकिया भाई को बहुत बुरा लगता है और वो गोविंद जी को जाने के लिए कह देता है। वो उन्हें जाते वक्त सब्जी वाले के पैसे के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे देता है, क्योंकि इस बीच उनका चश्मा टूट गया था, लेकिन गोविंद जी उसको एक्स्ट्रा पैसे वापस लौटा देते हैं और कहते हैं कि चश्मा मैं खुद ठीक करवा लूंगा, तुम अपने आप को ठीक करा लो। खैर, फिर हम देखते हैं कि गोविंद जी अपने घर चले आते हैं, जहां पर उनकी बीवी उन्हें इस हालत में देख लेती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ था, जिसके बाद गोविंद जी अपनी पत्नी सुहास को सारी बातें बता देते हैं कि मार्केट में क्या क्या हुआ था। अब ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और हमें इनकी बातों से ये पता चलता है कि इनका एक बेटा है अभय, जो एक IAS ऑफिसर बन चुका है, और अभय अपनी बीवी अवनी के साथ इनसे अलग रहता है। वेल, आज ही अभय और उसकी बीवी अवनी की वेडिंग एनिवर्सरी थी, जिसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी सी पार्टी रखी थी और इस पार्टी में अभय ने सारे बड़े लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन अपने ही माँ बाप को इनवाइट नहीं किया था, जिस बात से गोविंद जी उससे काफी नाराज थे। लेकिन अब गोविंद जी की बीवी उनसे कहती है कि वो सारी नाराजगी भूलकर अपने बेटे को हैप्पी एनिवर्सरी विश कर दें, क्योंकि आज का दिन उसके लिए स्पेशल है। अब पहले तो गोविंद जी मना कर देते हैं, लेकिन फिर अपनी बीवी की वजह से मान जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अभय और अवनी पर, जो आज वेडिंग एनिवर्सरी पर शाम की पार्टी के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। इस बीच वहां पर गोविंद जी का कॉल आता है और फिर गोविंद जी अभय और अवनी को हैप्पी एनिवर्सरी विश करते हैं। इस दौरान वो अपने बेटे से ये सवाल नहीं करते कि आखिर उसने उन्हें क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि वो जानते थे कि शायद इतने बड़े लोगों के बीच सामान्य से दिखने वाले उसके माता पिता से कहीं उसकी छवि पर कोई असर न पड़े। पर वो बातों ही बातों में अभय को घर पर कुछ पैसे भिजवाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, तुम बहुत बिजी रहते हो, इसलिए बार बार पैसे मांगने में शर्म आती है, इसलिए एक तो तुम कुछ पैसे भिजवा दो और दूसरा मेरा एक सेपरेट अकाउंट ओपन करवा कर मुझे दे दो, मैं अपने फाइनेंस खुद मैनेज कर लूंगा, ताकि तुम भी मेरी वजह से बार बार डिस्टर्ब ना हो। वो कहते हैं कि आज मेरे पास सब्जी खरीदने के भी पैसे नहीं थे, हालांकि मैं सब्जी ले आया, लेकिन मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग हमारी नहीं तुम्हारे बारे में बोलते हैं, इसलिए तुम अकाउंट खुलवा दो। अब अभय उनसे कहता है कि वो कल पैसे लेकर आ जाएगा, और रही बात सेपरेट अकाउंट की तो वो इस बात के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि उसने गोविंद जी के सारे ही पैसों को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है।
जिसकी वजह से फ्यूचर में उन्हें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। हालांकि अभय रेगुलरली गोविंद जी को पैसे भेजता था, इसलिए उसका मानना ये था कि किसी सेपरेट अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है। अब गोविंद जी उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी उनकी बात नहीं मानता और तैयारी का बोलकर फोन रख देता है। अब फोन रखने के बाद गोविंद जी देखते हैं कि उनकी बीवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभय और अवनी रेडी होकर पार्टी में चले जाते हैं और वो पार्टी देर रात तक चलती है। फिर अगली सुबह अभय के सर में दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसने पार्टी में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। फिर अभय दवाई लेकर तैयार होने के लिए जाने ही वाला था कि तभी उसे अवनी रोकती है क्योंकि अभय की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी अभय जाने की जिद करता है क्योंकि आज कुछ भी करके उसे अपने पिता को पैसे पहुंचाने थे। इन्हीं बातों में अवनी अभय से कहती है कि कल रात जब वो सीएम को रिसीव करने गया था तभी उसके बाबा यानी गोविंद जी ने उसे कॉल किया था और उस कॉल को अवनी ने उठाया था, लेकिन फोन पर अवनी ने उनसे कह दिया था कि अभय किसी काम में बिजी है और वो जैसे ही फ्री होगा वो उसे कॉल करने के लिए कह देगी। लेकिन पार्टी के चक्कर में ये बात अवनी उसको बताना ही भूल जाती है। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद अभय अवनी पर बहुत गुस्सा करता है और फौरन अपने बाबा को कॉल करता है, लेकिन उसके बाबा उसका एक कॉल भी नहीं उठाते। फोन रिसीव ना होने की वजह से अभय बहुत ही परेशान हो जाता है और अपने घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचने के बाद वो अपने पिता से माँ की तबीयत के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसे कहीं पर भी अपनी माँ नजर नहीं आती। फिर वो अपने बाबा से पूछता है कि माँ कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही, जिस पर अभय के बाबा उसे बताते हैं कि कल रात को ही उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। वो बताते हैं कि मैंने सारा क्रियाकर्म भी रात को ही पूरा कर दिया था। ये सुनते ही अभय के होश उड़ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगता है। अभय अपने बाबा से नाराज हो जाता है क्योंकि उन्होंने आखिरी बार उसे अपनी माँ को देखने का मौका भी नहीं दिया, लेकिन उसके बाबा कहते हैं कि उन्होंने तो अभय को कॉल किया था लेकिन उसने एक भी कॉल नहीं उठाया। इस बात को लेकर गोविंद जी भी अभय से काफी नाराज थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर अभय उन्हें एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनवा कर दे देता तो वो अपनी बीवी के सारे इलाज का खर्चा उठा पाते और शायद आज वो जिंदा होती। इसके बाद दोनों में काफी बहस होने लगती है और फिर अभय अपने घर चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में अभय और अवनी की बातों से हमें ये पता चलता है कि जिस दिन अभय की माँ की मौत हुई थी उस दिन गोविंद जी ने एक अननोन नंबर से भी अवनी को कॉल करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि वो एक अननोन नंबर था इसलिए अवनी ने वो फोन नहीं उठाया। अब अभय अवनी से भी नाराज हो जाता है क्योंकि अगर वो वक्त पर कॉल उठा लेती तो शायद वो अपनी माँ की मदद कर पाता और उनकी जान बचा लेता। खैर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गोविंद जी को जो एक पुलिस स्टेशन जाकर अपने ही बेटे के खिलाफ एक केस फाइल कर देते हैं कि उनकी बीवी की मौत उनके बेटे की वजह से ही हुई है। अब अभय और अवनी को भी पता चल जाता है कि गोविंद जी ने उनके खिलाफ एक केस फाइल किया है क्योंकि ये खबर अब टीवी पर भी आने लगती है कि एक बाप ने अपने IAS बेटे के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया है। अब धीरे धीरे सभी को इस केस के बारे में पता चल जाता है और फिर अभय को भी उसके जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है। वेल, अब मुकदमा कोर्ट में जाता है जहां पर गोविंद जी जज से परमिशन लेते हैं कि उनके पास एक वकील तो है जो उनकी मदद करेंगे, लेकिन वो अपना केस खुद ही लड़ना चाहते हैं तो इस बात के लिए जज साहब भी उन्हें परमिशन दे देते हैं। अब कोर्ट में केस शुरू होता है जहां पर गोविंद जी अपने सबसे पहले विटनेस को बुलाते हैं जो कि वही डॉक्टर होते हैं जो उस रात उनकी बीवी को चेक करने के लिए उनके घर गए थे। अब गोविंद जी अपने फैमिली डॉक्टर से कहते हैं कि जिस दिन आप मेरी बीवी को चेक करने आए थे उस दिन क्या क्या हुआ था आप सबको बता दीजिए। डॉक्टर साहब अब सभी को उस दिन के बारे में बताने लगते हैं कि गोविंद जी की बीवी सुहास जी को जब वो चेक करने गए थे तो उन्हें पता चला कि उन्हें माइल्ड स्ट्रोक आया है और इसीलिए उन्होंने गोविंद जी को अपनी बीवी को एक बड़े से हॉस्पिटल में एडमिट करने की सलाह दी थी। डॉक्टर बताते हैं कि गोविंद जी के पास तो उनकी फीस देने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने उनसे कहा था कि वो उनकी फीस बाद में दे सकते हैं क्योंकि वो उनके रेगुलर पेशेंट थे। अब गोविंद जी का कहना ये था कि जब उनके पास डॉक्टर की फीस देने के ही पैसे नहीं थे तो वो अपनी बीवी को एक बड़े से हॉस्पिटल में कैसे एडमिट करते। फिर काफी देर तक इनके सवाल जवाब चलते रहते हैं और फिर जज साहब इन सारे लोगों को एक नेक्स्ट हियरिंग की डेट दे देते हैं। अब कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग में हम उस डॉक्टर को देखते हैं जिनके हॉस्पिटल में सुहास जी को एडमिट किया गया था। अब गोविंद जी जज साहब को बताते हैं कि जब उनकी बीवी की तबीयत और खराब होने लगी थी तो वो उन्हें एक हॉस्पिटल में लेकर गए थे। यहाँ से उस हॉस्पिटल के डॉक्टर आगे गवाही में बताते हैं कि गोविंद जी जब अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल में आए थे
तब उनके पास हॉस्पिटल में अपनी बीवी को एडमिट कराने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसके बाद गोविंद जी डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी बीवी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए, लेकिन गोविंद जी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए डॉक्टर उन्हें मना करते हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के खिलाफ था। पर तभी गोविंद जी डॉक्टर को बताते हैं कि उनका बेटा एक IAS ऑफिसर है और वो उनके सारे पैसे आकर चुका देगा। वेल, इसके बाद गोविंद जी अभय को कॉल करते हैं तो वो अपनी पार्टी में बिजी होता है क्योंकि वहाँ पर CM आए थे, पर उनका कॉल अवनी उठा लेती है और अब अवनी गोविंद जी से कहती है कि अभय किसी काम में बिजी है, इसलिए वो जैसे ही फ्री होगा वो उसे बता देगी। लेकिन गोविंद जी उसे सारी चीजें बताने ही लगते हैं कि इस वक्त बहुत इमरजेंसी है, लेकिन अवनी जल्दी जल्दी में बिना सुने उनका कॉल कट कर देती है। अब गोविंद जी कोर्ट में सबको बताते हैं कि पैसे न होने की वजह से कोई भी डॉक्टर उनकी बीवी को ट्रीट नहीं कर रहा था और उनकी बीवी की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी, तो इसलिए वो अपने दोस्त की मदद से अपनी बीवी को एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने वाले होते ही हैं कि रास्ते में ही सुहास जी की मौत हो जाती है। अब इस बात पर अभय की तरफ से लड़ने वाले वकील गोविंद जी पर ये एलिगेशन लगा देते हैं कि उन्होंने काफी जल्दबाजी की, अगर वो थोड़ी देर रुकते और अभय की बात डॉक्टर से करा देते तो सुहास जी का ट्रीटमेंट भी उसी हॉस्पिटल में होता और शायद आज वो जिंदा होती। हालांकि इस बात के लिए डॉक्टर भी हाँ कर देते हैं, लेकिन गोविंद जी सब पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो थोड़ी देर और इंतजार करते तो उनकी बीवी की मौत रास्ते में ही नहीं बल्कि उसी हॉस्पिटल में होती, क्योंकि पैसे न होने की वजह से कोई भी उनकी बीवी को वैसे भी ट्रीट नहीं करने वाला था और यही वजह थी कि गोविंद जी अपनी बीवी को एक दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने की कोशिश कर रहे थे कि शायद उन्हें वहां पर इलाज मिल जाए और उनकी जान बच सके। वेल, अब ये सारी बातें जज साहब सुनते हैं और अगली हियरिंग की डेट दे देते हैं। अब इस कोर्ट सेशन के बाद हम देखते हैं कि बाहर मीडिया वाले गोविंद जी का इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्होंने बिना एक्सपीरियंस के भी एक अच्छे खासे वकील को टक्कर दी थी। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं कि जज साहब गोविंद जी से पूछते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि अभी तक वो केस में समझ नहीं पाए हैं कि उनकी असली डिमांड क्या है। तो गोविंद जी जज साहब को बताते हैं कि उन्होंने आज तक जितने भी पैसे अभय पर खर्च किए हैं उन्हें वो सारे वापस चाहिए और वो पैसे थे 4,72,86,000 रुपए। अब जज साहब गोविंद जी से पूछते हैं कि उन्हें इतनी ऑड अमाउंट क्यों चाहिए, तो गोविंद जी बताते हैं कि उन्हें ये अमाउंट इसलिए चाहिए क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली इतने ही पैसे अभय पर खर्च किए थे। फिर यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम अभय के बचपन को देखते हैं। तब एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उसे स्कूल में ही चक्कर आ गया था, इसलिए अभय को घर भेजा गया था। अभय को उस हालत में देखने के बाद गोविंद जी और उनकी बीवी परेशान हो जाते हैं और फौरन उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अभय के हार्ट में एक होल है जिसकी वजह से उसकी जान को खतरा है और इसलिए उन्हें अभय का ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना होगा। अब गोविंद जी तो अभय का ऑपरेशन मुंबई में ही करवाने वाले थे, लेकिन उनकी बीवी जिद करती है कि अभय का ऑपरेशन सिंगापुर के अच्छे से हॉस्पिटल में करा दिया जाए, क्योंकि अभय के होने से पहले उनकी एक बेटी थी अनन्या जिसकी मौत मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से हो गई थी, इसलिए अब वो अभय को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पर एक दिक्कत थी, बाहर ऑपरेशन कराने के लिए गोविंद जी के पास पूरे पैसे नहीं थे, इसलिए गोविंद जी अपनी अलीबाग वाली प्रॉपर्टी को बेच देते हैं और उन्हीं पैसों से अभय का ऑपरेशन करवाते हैं। अब जो वकील अभय की तरफ से केस लड़ रहे थे वो गोविंद जी से कहते हैं कि उन्होंने जो पैसे अपने बेटे पर खर्च किए वो उन पैसों को वापस कैसे मांग सकते हैं, तो गोविंद जी उनसे कहते हैं कि जो पैसे उन्होंने सर्जरी पर खर्च किए थे उन्हें वो वापस नहीं चाहिए क्योंकि वो उनका फर्ज था, लेकिन अभय की वजह से उन्हें उनकी अलीबाग वाली प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ा था और इसीलिए उन्हें उस प्रॉपर्टी की आज की जो वैल्यू है वो चाहिए। इसके बाद गोविंद जी कोर्ट में सबको सेकंड अमाउंट का ब्रेकडाउन बताने लगते हैं, जहां से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर एक दिन गोविंद जी अपने ऑफिस से घर आते हैं और अपनी वाइफ और बेटे को बताते हैं कि उन्हें ऑफिस में प्रमोशन मिल गया है और इसकी वजह से उन्हें अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए अमरावती शिफ्ट होना पड़ेगा। पर ये सुनकर अभय बहुत मायूस हो जाता है क्योंकि उसके सारे दोस्त और उसकी स्कूल तो मुंबई में ही थे। इस तरह से अभय की वजह से गोविंद जी अपने प्रमोशन को रिजेक्ट कर देते हैं, इसलिए अगर वो प्रमोशन गोविंद जी लेते तो उन्हें हर महीने 7,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते, लेकिन अभय की वजह से उन्होंने उस प्रमोशन को रिजेक्ट कर दिया। तो गोविंद जी चाहते थे कि उस प्रमोशन को रोकने की वजह से जितने भी अमाउंट का उन्हें लॉस हुआ है वो सारे पैसे अभय उन्हें वापस कर दे। इसके बाद गोविंद जी सबको थर्ड अमाउंट का ब्रेकडाउन बताने लगते हैं, जहां पर हमें ये पता चलता है कि अभय हमेशा से ही एक IAS ऑफिसर बनना चाहता था
और IAS के लिए उसे एक अच्छा कोचिंग सेंटर भी चाहिए था जिसकी फीस बहुत ज्यादा थी। अब गोविंद जी तो इतनी सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के लिए एक लोन लेते हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करके एक IAS ऑफिसर बन जाए। इस तरह उन्होंने जो पैसा खर्च किया था उसका टोटल था 4,72,86,000 रुपए। खैर, अब कोर्ट रूम में नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं कि गोविंद जी सबसे कहते हैं कि उन्होंने जितने भी पैसे अभय पर खर्च किए उन्हें वो इसलिए वापस चाहिए क्योंकि उनकी इतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हैसियत से बाहर जाकर मेहनत करके अभय को बड़ा किया। उसके बाद अभय जब IAS ऑफिसर बन गया तो वो अपनी बीवी के साथ अलग रहने लग गया और अपने माँ बाप को भी मिलने कभी कभार ही आता था, जिसकी वजह से उनकी बीवी काफी टेंशन में रहती थी और शायद इसी टेंशन की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया होगा। वो कहते हैं कि अभय हमको पैसे तो प्रोवाइड करता था लेकिन उनसे मिलने के लिए इतना नहीं जाता था। नाराज होते हुए वो कहते हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं और उनके माँ बाप उनके साथ दो पल बिताने के लिए भी तरस जाते हैं। बच्चे भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप ने दिन रात एक करके उनको इतना बड़ा किया है। वो उनसे सिर्फ थोड़ा वक्त चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि बच्चे अपनी फैमिली को भी टाइम दें, ये भी जरूरी है। खैर, अब गोविंद जी चाहते थे कि जो पैसे उन्होंने इतनी मेहनत से कमाए थे और जिस इंसान पर खर्च किए अगर उसे उनकी कदर नहीं है तो उसे उनके सारे पैसे भी वापस कर देने चाहिए। गोविंद जी की बातें सुनने के बाद कोर्ट में बैठे हुए सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं और फिर गोविंद जी के लिए तालियां बजाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो वकील अभय की तरफ से केस लड़ रहे थे वो सभी एक प्लान बनाते हैं और गोविंद जी के साथ रहने वाले एक वकील को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। अब कोर्ट के अगले सेशन में हम देखते हैं कि विटनेस बॉक्स में खुद अभय को बुलाया जाता है, जहां पर अभय भी अपने वकील के कहने पर एक झूठी गवाही देता है कि उसके बाबा को भूलने की बीमारी है और ये सारी चीजें सुनने के बाद गोविंद जी को भी बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि विटनेस बॉक्स में जो वकील गोविंद जी के साथ काम करते थे उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन वो भी अब अभय के वकील के तरफ हो चुके थे, इसलिए वो भी झूठी गवाही देते हैं कि गोविंद जी को बहुत सी चीजें भूलने की बीमारी है। ये ड्रामा देखकर गोविंद जी समझ जाते हैं कि उनके वकील को अभय के वकील ने ब्राइब देकर अपने खेमे में शामिल कर लिया है, इसलिए गोविंद जी खड़े होकर खुद इस वकील से शुरू से लेकर अब तक जितने भी कोर्ट सेशंस हुए हैं उन सारे सेशंस की डेट और जानकारी पूछने लगते हैं। इस पर वकील को कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन तभी गोविंद जी कोर्ट में सबके सामने हर एक डेट और सारी चीजें डिटेल्स में बताते हैं और साबित करते हैं कि उन्हें कोई भी भूलने की बीमारी नहीं है। अब कोर्ट के फाइनल सेशन में हम देखते हैं कि जज साहब सबको अपना फैसला सुना देते हैं, जहां पर उनका कहना ये था कि अभय निर्दोष है, उसकी वजह से उसकी माँ की मौत नहीं हुई है। वो कहते हैं कि अभय को उसकी माँ की हार्ट अटैक की वजह समझकर सजा देना गलत है, लेकिन जज का ये भी कहना था कि आज तक गोविंद जी ने जितने भी पैसे अभय पर खर्च किए हैं वो अभय को वापस लौटाने होंगे। अब गोविंद जी आखिरी बार खड़े होते हैं और जज साहब को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता था कि अभय को कभी भी सजा नहीं होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया ताकि सारे लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो सके। गोविंद जी सबसे कहते हैं कि माँ बाप जिंदगी भर मेहनत करके अपनी जिंदगी की सारी कमाई अपने बच्चों पर लगा देते हैं और यही बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से माँ बाप दुखी रहने लगते हैं। गोविंद जी कहते हैं कि मैं बस यही चाहता हूँ कि हर बच्चा अपने माँ बाप की कद्र करे और उन्हें सम्मान दे। खैर, हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद गोविंद जी अभय को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है। अब ये सारी चीजें सुनकर अभय के होश उड़ जाते हैं और वो बहुत खुश होता है। अब यही बात वो अवनी को बता देता है, लेकिन ये सुनने के बाद अवनी बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि इस कोर्ट के चक्कर में उसकी सोसाइटी में काफी बदनामी हो गई थी, इसलिए अवनी अब डिसाइड करती है कि गोविंद जी के खिलाफ वो खुद केस फाइल करेगी और जितने भी पैसे उन्होंने गोविंद जी को दिए हैं वो सारे पैसे वो वापस लेगी। हालांकि अभय उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन अवनी नहीं मानती। फिर हम देखते हैं कि गोविंद जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और ये केस फिर से एक बार रीओपन हो जाता है, जहां पर अवनी कोर्ट में सबको बताती है कि कैसे इस केस की वजह से उसकी पूरी सोसाइटी में बदनामी हो गई। फिर हम देखते हैं कि गोविंद जी का वकील विटनेस बॉक्स में पकिया भाई को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सच बताइए उस दिन क्या हुआ था जिस दिन अभय की माँ बीमार पड़ी थी। तो कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमने देखा था कि पकिया भाई के लिए काम करने वाले एक इंसान ने गोविंद जी का चश्मा तोड़ दिया था। अब जब एक नया चश्मा देने के लिए पकिया भाई गोविंद जी के घर पर आता है तो उसे पता चलता है कि गोविंद जी की बीवी को हार्ट अटैक आया है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। फिर पकिया भाई भी गोविंद जी को ढूंढते हुए एक हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है, जहां पर उसे गोविंद जी मिलते हैं
अब वो गोविंद जी से उनकी बीवी के बारे में पूछताछ कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि गोविंद जी की बीवी की मौत हो चुकी है। अब अपनी बीवी को ऐसे देखकर गोविंद जी को बहुत बुरा लगता है कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाए और इसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन तभी पकिया भाई डॉक्टर से कहता है कि वो सुहास जी को एक शॉक दे जिसकी वजह से शायद उनकी जान वापस आ जाए। इसके बाद जब डॉक्टर उसकी बात नहीं मानते तो पकिया भाई अपनी गन निकालते हैं और डॉक्टर को धमकी देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है और फिर वो सुहास जी को शॉक ट्रीटमेंट देते हैं जिसकी वजह से वो फिर से कॉन्शियस हो जाती है और डॉक्टर उनको फौरन ऑब्जर्वेशन में ले लेते हैं। गोविंद जी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और पकिया भाई को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि आज पकिया भाई की वजह से ही उनकी बीवी की जिंदगी बच पाई थी। लेकिन गोविंद जी अभी भी अभय पर नाराज होते हैं क्योंकि उसने टाइम पर पैसे नहीं दिए थे जिसके चलते आज सुहास जी की मौत भी हो सकती थी। इसके बाद वो अभय को सबक सिखाने के लिए पकिया भाई की मदद से अपनी बीवी का एक झूठा डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं ताकि वो अभय के खिलाफ एक केस फाइल कर सकें। वेल, अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम देखते हैं कि गोविंद जी ने ये सारी चीजें इसलिए की थी क्योंकि अभय अपने माँ बाप के साथ इतना टाइम नहीं स्पेंड करता था। ऊपर से वो अपने पिता के सारे पैसे भी हैंडल कर रहा था और आज जब गोविंद जी को पैसों की जरूरत थी तो उनकी बीवी का खर्चा उठाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। अब गोविंद जी सबको कोर्ट में बताते हैं कि जो पैसे उन्होंने अभय से लिए थे उन्होंने उसी पैसों से एक जगह पर सारे बूढ़े लोगों के लिए ओल्ड इज गोल्ड नाम का एक आश्रम बनवाया है जहां पर बूढ़े लोगों के लिए स्विमिंग पूल, टीवी, गेम्स और ऐसी बहुत सारी चीजों का अरेंजमेंट किया गया है ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी आराम से और खुशी से बिता सके। गोविंद जी की बातें सुनने के बाद अब अवनी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबके सामने इस केस को विड्रॉ कर लेती है और उनसे माफी मांगती है। लेकिन फिर भी एक झूठा केस फाइल करने की वजह से कोर्ट गोविंद जी को 6 महीने के लिए जेल में रहने की सजा सुनाती है। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं उसी आश्रम को जो गोविंद जी ने बूढ़े लोगों के लिए ओपन किया था। वहाँ पर सारे लोग बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे और गोविंद जी को भी 6 महीनों के बाद जेल से रिलीज कर दिया गया था। हम देखते हैं कि अभय भी इस आश्रम को विजिट करता है और सारे लोगों के लिए गाना गाता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इनमें जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो अब क्लियर हो चुकी है और सभी लोग एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे हैं और इसी हैप्पी नोट पर ये मूवी होती है दी एंड। दोस्तों, ये मूवी नहीं बल्कि आज की सच्चाई है। ऐसी ही एक मूवी मैंने पहले भी अपने चैनल पर एक्सप्लेन की थी जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि ऐसी ही मूवीज आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।